उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ चार दिवसीय छठ महापर्व। चार दिनों तक आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिलता रहा। उगते हुए सूर्य को अर्घदान के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व शनिवार की सुबह संपन्न हो गया। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के दौरान आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता रहा। कोरोना संकट में संपन्न छठ महापर्व के दौरान लोगों ने गाइडलाइंस का पालन किया। प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद हर तरफ छठ गीत गूंजते रहे, हर तरफ छठी मैया की आराधना होती रही। दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर पंजाब तक, यानी पूरे भारत और यहां तक कि विदेशों से भी छठ महापर्व मनाए जाने की खबर मिल रही है। इस साल कोरोना संकट में हुए छठ महापर्व को लेकर कई राज्यों ने गाइडलाइंस जारी किया था। दिल्ली में सरकार ने सार्वजनिक छठ पूजा को आयोजित करने से मनाही की थी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह हर किसी नियम और हर किसी बंदिशों पर भारी पड़ता दिखा। दिल्ली के कई छठ घाटों से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर समेत दूसरी जगहों पर भी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का भीड़ उमड़ पड़ा। दूसरे राज्यों में भी छठ को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। हर जगह श्रद्धालुओं की उपस्थिति दिखी, उत्सव का नजारा दिखा। बिहार की राजधानी पटना में छठ के अंतिम दिन गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना के गांधी घाट, काली घाट, कॉलेज घाट, दीघा घाट पर शनिवार की सुबह श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पहुंचे। उगते सूर्य को अर्घ के बाद बर्तियों ने पारण किया। इस दौरान हर जगह छठ गीत गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। बिहार के गया में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर शहर के विभिन्न घाटों को सजाया गया था। छठ व्रतियों का सैलाब उमड़ता रहा। इसी क्रम में गया के सुप्रसिद्ध सूर्य कुंड घाट पर आज नेहा गुप्ता की भौजाई एवं रिहान गुप्ता की बहन ने भी सूर्य को अर्घदान किया। बिहार के साथ भारत के समृद्धि के लिए रिहान गुप्ता, गुड्डू एवं नेहा कुमारी ने प्रार्थना किया। मुजफ्फरपुर में भी लोक आस्था का महापर्व आज उदयमान सूर्य को अर्घदान के साथ संपन्न हुआ। लोक आस्था के महान पर्व छठ की पूजा के चौथे दिन सुबह में व्रती पहले से ही भगवान भास्कर के दर्शन के लिए पूरे मुस्तैदी से विनती करती हुई दिखी। जिले में लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। सभी घाटों पर हर्षोल्लास और उदयीमान सूर्य के भगवान सूर्य के दर्शन करने के लिए लोगों में बेताबी दिखी। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। आपको यह बता दें कि महापर्व छठ में कोरोना का डर लोगों के मन से हटा हुआ दिखा। बेखौफ होकर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर थे। गाइडलाइंस का पालन करते जरूर नजर आए, लेकिन कोरोना का खौफ इनमें तनिक भी नहीं दिखा, क्योंकि श्रद्धालुओं में सिर्फ दिख रही थी तो श्रद्धा और भक्ति। मास्क का भी इस्तेमाल करना श्रद्धालु एवं दर्शकों में उचित नहीं समझा गया। आस्था के आगे सब कुछ फीका नजर आया। जिला के एसपी जयंत कांत ने भी अपने सब परिवार संग घाट पर पहुंचे और भगवान भास्कर के दर्शन किए। लोगों में दिखा बेहद ही हर्ष का माहौल, और इस हर्षमय माहौल के बीच भगवान की बंदगी में लोग तल्लीन दिखे। कैमूर में भी लोक आस्था के महापर्व को लेकर चार दिन से आज छठ व्रतियों का इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही उदयीमान सूर्य के दर्शन हुए, श्रद्धालुओं की और व्रतियों के यह महापर्व संपन्न हुए। जिले में शांतिपूर्ण माहौल में छठ महापर्व हुआ। छठ व्रतियों ने छठ मैया से मन्नत मांगी। छठ मैया, देश में कोरोना समाप्त हो जाए, ऐसी मन्नत और मनोकामना हर श्रद्धालुओं के मन में तैरती दिखी। धूमधाम से छठ महापर्व का आयोजन किया गया था। आस्था के महापर्व छठ को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह देखा। श्रद्धालु महिलाओं में भी इसके प्रति काफी श्रद्धा और भक्ति देखी गई। प्राचीन काल से ही बिहार सहित कई राज्यों में छठ का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान नहीं रहने पर छठ माता मन्नत पूरी करती है। सच्चे श्रद्धा और विनती से जो छठ माता से वरदान की कामना रखता है, छठी माता अवश्य ही उसे पूरा करती है। और इसी मनोकामना के साथ पूरा हिंदुस्तान छठ व्रत के पीछे दीवाना रहता है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में भी लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शनिवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्यदान के साथ संपन्न हुआ। छठ पर्व को लेकर शहर से लेकर गांव तक धूमधाम की स्थिति बनी रही।
छठ व्रतियों ने शुक्रवार के शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान किया था, वहीं शनिवार की सुबह आज उदयीमान सूर्य को अर्घ्यदान किया गया। गाय घाट के तमाम छठ घाटों पर व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भीड़ उमड़ती रही। बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। छठ घाट पर छोटे छोटे बच्चे जहां पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं महिलाएं छठ गीत गा रही थी। इससे पूरी तरह छठमय माहौल बना रहा। इस बीच व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्यदान देकर पूजा संपन्न किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस बलों की भी तैनाती छठ घाटों पर देखी गई। दंड देते हुए व्रती भी घाट पर पहुंच रहे थे। छठ व्रती मन्नते पूरा होने पर इस तरह का दांडी व्रत करते हैं। दंडवत करते हुए घाटों पर पहुंचने का सिलसिला कई घाटों पर देखा गया। पीछे पीछे परिजन छठ का दौरा लेकर चल रहे थे। उधर सिकंदरपुर की सरिता देवी ने बताया कि संतान की सलामती के लिए उन्होंने दंड देकर घाट पर आने की मन्नत मांगी थी। छठी मैया ने उनकी आस पूरी की तो पिछले 5 वर्षों से वे दंड देकर घाट पर आती रही हैं। गाय घाट में वीडियो डॉक्टर विमल कुमार और थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि छठ घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर जायजा लेते रहे ताकि कोरोना काल में भी किसी प्रकार की अनहोनी न हो सके। अति संवेदनशील और संवेदनशील छठ घाटों के मुआयने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार किया जाता रहा। उधर बेनीबाद में ओपी प्रभारी राजकुमार प्रसाद भी अपने दल बल के साथ घाटों का निरीक्षण करते देखे गए। उधर बंदरा प्रखंड में भी पुलिस बलों की तैनाती देखी गई। पियर थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न घाटों का उन्होंने निरीक्षण किया है और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लोगों को आगाह भी करते रहे। इस बीच हाथा ओपी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम अख्तर ने भी विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से छठ महापर्व संपन्न होने की खबर मिली है। उधर छठ व्रत को लेकर गांव में भी गजब का उत्साह देखा गया। बंदरा प्रखंड के सकरी सिमरा बरगांव बरियारपुर मोहनपुर बंदरा केवटसा पटसारा समेत विभिन्न क्षेत्रों से छठ महापर्व मनाए जाने की खबर मिली है। रतवारा रामपुर दयाल पियर रामपुर मैनाथ हरपुर सिमरा सुहरगंज समेत विभिन्न इलाकों से छठ व्रत को लेकर व्रतियों में गजब का उत्साह देखा गया। मतलूपुर घोसरामा महिनाथपुर समेत कई इलाकों से लगातार छठ व्रतियों में गजब उत्साह के बीच चौथे दिन के अर्घ्यदान के साथ ही छठ महापर्व संपन्न होने की खबर मिलती रही।